से जो करेक्टर है ना इसका कवरेज बढ़ जाएगा और हमको ज़्यादा कवरेज मिलेगा, क्योंकि सुप्रा का कवरेज हमको 60% कवरेज ही मिलता है। किस तरह से ज़्यादा कवरेज आपको मिले इस टाइप से आप इसको यूज़ करें। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, ये जो मेकअप लुक आप देख रहे हैं ये हमने किया है गर्मियों में। अभी जैसे समर सीजन शुरू हो गया है तो किस तरह से सुप्रा से, देखिए ये जो सुप्रा पैलेट है इसी का हमने करेक्टर यूज़ किया है, इसी के हमने शेड्स यूज़ किए हैं, कैसे हमने इस मेकअप को लॉन्ग बनाया है। हर एक टेक्निक, हर एक ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इतने सारे की पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपके पास सुप्रा के अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं है। देखिए, जब हम बिगनर होते हैं ना तो सुप्रा सबसे परफेक्ट होता है ब्लेंडिंग के लिए, इजीली ब्लेंड हो जाता है, जैसे कि डर्मा ब्लेंड नहीं होता है। लेकिन गर्मियों में सुप्रा के साथ ही प्रॉब्लम आती है कि वो थोड़ा सा स्टे नहीं करता है, उसका मेकअप लॉन्ग लास्ट नहीं होता है। तो कैसे हमें उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है ये ट्रिक हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमको दे दिया जाता है सुप्रा हमारे पास और कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन मेकअप स्टे नहीं करेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा तो हमारा क्लाइंट कभी भी खुश नहीं होगा। तो यहाँ पर इतने सारे की पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं कि आप सिर्फ सुप्रा, अगर आपके पास सुप्रा है और कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप सिर्फ सुप्रा की हेल्प से बहुत ही अच्छा मेकअप कर पाएंगे। आपका मेकअप 18 to 24 hours ईजिली स्टे करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ले रही हूँ सेटाफिल जेंटल क्लींजर और इसी की हेल्प से मैं अच्छे से अपने फेस को क्लीन करूँगी। आप माइसेलर वाटर यूज़ कर सकते हैं और कोई क्लींजर जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फेस क्लीन नहीं किया और मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। पूरे फेस पर आपको इसको इवनली अप्लाई करना है एंड रब करना है। इस तरह से रब करना है, देखिए नोज़ के आसपास वाले एरिया पर हमारे बहुत गंदगी जमा होती है और जो भी थोड़े से वाइट हेड्स हैं वो भी इस क्लींजर से निकल जाते हैं। तो इसीलिए ये वाला क्लींजर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यही क्लींजर मैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये जो भी डस्ट थी, डर्ट थी फेस पर, वो मैंने निकाल ली है। टोनर देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ऑयली स्किन है आपको तो प्यूरीफाइंग टोनर यूज़ करना है और ड्राई स्किन है तो आपको मिस्ट यूज़ करना है। मैं यहाँ पर अभी प्यूरीफाइंग टोनर मैं यूज़ करूँगी। एंड देखिए टोनर जब भी आप अप्लाई करते हैं ना तो आपको कम से कम इतनी दूरी रखनी है। आप देख रहे हैं मैंने कितनी दूरी अपने यहाँ से मेनटेन की है, कभी भी बिल्कुल पास से आपकी टोनर एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। टोनर हमने अप्लाई किया है, इसको हमें सूखने देना है। टोनर ड्राई हो चुका है, देखिए कभी भी टोनर आपका, जैसे ही टोनर आपने स्प्रे किया उसके बाद डायरेक्टली आपको मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन नहीं करनी है, थोड़ा सा इसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने का टाइम देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है तो आपको पोर मिनिमाइजिंग टोनर यूज़ करना है, जो देखिए कुछ इस तरह के आते हैं, यू कैन सी। एंड अभी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए देखिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, ये है निव्या क्रीम एंड इसी को मैं एज ए मॉइस्चराइज़र अपने पूरे फेस पर यूज़ करूँगी। ठीक है, देखिए स्किन प्रिपरेशन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छी आपकी स्किन प्रिपरेशन होगी उतना ही आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको सुप्रा से मेकअप करना सिखा रही हूँ, क्योंकि जो भी बिगनर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना उनकी वैनिटी में सुप्रा ज़रूर ऐड होती है और काफ़ी टाइम होता है कि जब तक हमारे पास क्लाइंट्स नहीं होते हैं तो हम कुछ नया प्रोडक्ट खरीदने में भी झिझकते हैं, क्योंकि मेकअप का प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली आता है। तो क्यों ना हम सुप्रा से ही गर्मियों में बेस बना लें। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सुप्रा से बेस बनाना बता रही हूँ और अगर आपके पास डर्मा है तो डेफिनेटली आप डर्मा से भी बेस बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब देखिए मॉइस्चराइज़र आपको देखना है कि स्किन को कितनी रिक्वायरमेंट है। स्किन प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि आपकी स्किन को कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर एक्सेस में ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पर फेशियल ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं और जब तक आपकी स्किन अंदर से डैम्प नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, क्रीम अप्लाई की है मैंने
और इसको मैं अच्छे से अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने दूंगी। देखिए स्किन प्रिपरेशन में आप जितना टाइम देंगे ना उतना ही आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा, अच्छा होगा और मेकअप में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। क्योंकि काफ़ी टाइम आपने देखा होगा मेकअप में क्रैक्स आ जाते हैं, पैची दिखता है, ग्रे हो जाता है, तो कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जो हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती और जिससे कि हमारा मेकअप लुक खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है और स्किन प्रेप करने के बाद में आप देख सकते हैं मेरी स्किन डैम्प हो चुकी है। अभी हम इसको थोड़ा सा और स्किन के साथ सेट होने दें। सो गाइज मेरी स्किन प्रिपरेशन हो चुकी है, अभी हम आ गए हैं प्राइमर पर। प्राइमर में देखिए यहाँ पर यूज़ करूँगी मैटिफाइंग प्राइमर, ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली ना ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करूँगी। सो देखिए प्राइमर हमेशा आपको थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, कभी भी भर भर के प्राइमर नहीं लगाना है, वरना ज़्यादा प्राइमर लगाने से आपका मेकअप भी ख़राब हो सकता है। कई बार हमको ऐसे लगता है ना कि अगर हम प्राइमर ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा मेकअप ज़्यादा अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादा प्राइमर अप्लाई करने के कारण आपका मेकअप ख़राब हो सकता है, आपकी जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा स्लिप होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मेकअप प्राइमर आप लगाएंगे तो हमारे ना फाउंडेशन के एप्लीकेशन को, जैसा आपको पता है प्राइमर इजी बनाता है लेकिन वो ज़्यादा ही फेस पर से निकलेगा, टिकेगा नहीं। सो प्राइमर भी मैंने अप्लाई कर लिया है। अगर ओपन पोर्स है तो आपको पोर फिलर प्राइमर्स हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये है NYX का पोर फिलर प्राइमर, कुछ इस टाइप के प्राइमर आपको लेने हैं एंड आपके जो पोर्स हैं उसमें आपको इस तरह से इसको फिल कर देना है, ठीक है। हमारे मोस्टली ना इस एरिया पर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं। सो देखिए कुछ इस तरह की टेक्सचर में ये आता है एंड हमको यहाँ पर अप्लाई करना है एंड इस तरह से फिल कर देना है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें हमारा फाउंडेशन बैठ जाता है, तो वो नहीं होगा क्योंकि हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा टोनर एंड प्राइमर। तो ये हमारे जो फाउंडेशन की एप्लीकेशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए हमको प्राइमर को सेट होने के लिए कम से कम 30 सेकंड देने हैं, तो 30 सेकंड हम वेट करेंगे एंड 30 सेकंड वेट करने के लिए यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये है सुप्रा का 303, ठीक है, ये है देखिए सुप्रा का 303 करेक्टर। अभी देखो अगर बहुत ज़्यादा आपके पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा कवरेज चाहिए, और अगर डर्मा के आपके पास करेक्टर्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। करेक्टर आप डर्मा के भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, अगर है आपके पास अवेलेबल। देखिए डर्मा का जो कवरेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, देखिए है ना। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका भी बता देती हूँ कि इसको आप किस तरह से ज़्यादा कवरेज आपको मिले इस टाइप से आप इसको यूज़ करें, ओके। सो अभी हमारा प्राइमर सेट हो चुका है। प्राइमर सेट होने के बाद में आप ब्रश की हेल्प भी ले सकते हैं, मैं फिंगर से अपने जो भी फ्लॉज हैं उनको हाइड करूँगी। सो देखिए आप देख सकते हैं मेरे जो भी डार्क सर्कल हैं यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी मेरी नोज के पास वाले एरिया पर, अब देखो गाइज यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर करेक्टर अप्लाई किया हम डायरेक्टली इसको ब्लेंड करने लगते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 30 सेकंड इसको अपने फेस पर सेट होने देना है। हर प्रोडक्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको थोड़ा बहुत रेस्ट वहाँ पर देना पड़ता है, तो हमको यहाँ पर इसको वेट करना है 30 सेकेंड, और उसके बाद में बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको ब्लेंड करेंगे। आपका देखिए प्रेशर मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का होगा, बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ में, ठीक है, इतना लाइट प्रेशर होगा। ऐसे 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 नहीं करना है हमको, जितना लाइट प्रेशर होगा प्रोडक्ट हमारे जगह से सरकना नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया है उसको हम वहीं पर ब्लेंड करेंगे, ओके। सो देखिए 30 सेकंड हमारी हो चुकी है और अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे लाइक दिस। मैंने इसको ना अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और ब्लेंड करने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट दूंगी एंड देन मैं इसको करूंगी लॉक, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैं लॉक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये है फॉरएवर 52 का सेटिंग पाउडर, जिसको कि मैं लॉक करने के लिए यूज़ करूँगी, और इसके लिए डायरेक्टली मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प लूँगी और थोड़ा सा पाउडर मैंने इस पर लिया एंड लॉक,
तो इससे क्या होगा, इससे जो करेक्टर है ना इसका कवरेज बढ़ जाएगा और हमको ज्यादा कवरेज मिलेगा, क्योंकि सुप्रा का कवरेज हमको 60% कवरेज ही मिलता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा कवरेज प्रोडक्ट का थोड़ा सा बढ़ जाएगा और हमारा मेकअप अच्छा होगा, जो भी फ्लोज होंगे वो अच्छे से हाइड हो जाएंगे। तो मैंने इसको लॉक कर लिया है। लॉक करने के बाद में अभी हमको लेना है हमारे स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये देखिए FS 38, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी FS 38 एंड पूरे फेस पर मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। सो ये है सुप्रा FS 38 एंड इस तरह से ब्लेंड। देखिए हेयर लाइन के पास में हमारा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हेयर लाइन को बिल्कुल बचा करके और मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया है। देखिए गाइस अभी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, यू कैन सी। एंड ब्लेंड करने के बाद में इसको हमें करना है लॉक। सो लॉक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए NYX का HD सेटिंग पाउडर है और इसको मैं यूज़ करूँगी, मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसको लॉक करूँगी इस तरह से, ये देखिए, जिससे मेरा बेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा एंड इसका कवरेज भी बढ़ जाएगा। सो इस तरह से मैं इसको पूरे फेस पर इवनली अप्लाई कर लूँगी। ओके अभी ये मेकअप धीरे धीरे सेट होगा तो बिल्कुल बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आएगा, बहुत नेचुरल दिखेगा। मैं करने वाली हूँ ब्रो फिलिंग एंड ब्रो फिलिंग के लिए मैंने लिया है ये इंग्लॉट का जेल लाइनर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, देखिए PSC का ये आई शेडो पैलेट है, इसी से मैं बहुत ही लाइट सा देखिए बेस बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है पिंक शेड एंड इसको मैं पहले हैंड पर मिनिमल करूँगी एंड एक बेस मैं यहाँ पर इसकी हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। देखिए क्विक एंड ईजी तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से दिख रहा है एक बेस है ना हमारे पास क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर कोई लाइट कलर का कंसीलर आप अप्लाई करके और उसके बाद में आप अपना बेस बना सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आई मेकअप यहाँ पर करके दिखाऊंगी आपको। सो मैं ले रही हूँ देखिए इसी पैलेट से, ये है थोड़ा सा ऑरेंज, ग्लिटर एंड बस इतना सा मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। सो यू कैन सी लाइनर एप्लीकेशन हमने कर ली है। काजल अप्लाई करूँगी मैं, काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये है ब्राउन जेल लाइनर एंड यूज़ करूँगी पॉइंटेड ब्रश।
फेस स्टूडियो। तो आई होप गाइस काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, काफी कुछ आपने यहाँ पर सीखा होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।